कार्यकर्ताओं को बोला है, आज उनके संपर्क में हम लोग हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जैसे उनसे बातचीत हो जाएगी तो जाने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे भी। हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं ये उनसे बातचीत करने के बाद बताएंगे। संजय जी, एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उनके पिता की तरफ से बयान दिखाया गया कि बेटा डिप्रेशन में था और उसने सुसाइड किया। बाद में पिता के द्वारा की एक वीडियो जारी होता है जिसमें खंडन करते हैं कि अन्य ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन का दबाव है ज्यादा परिवार भाई, जिस प्रदेश का IPS अधिकारी SP ऐसी बात करता है जैसी बात 5वीं का बच्चा भी नहीं करेगा। इतनी मूर्खतापूर्ण बात तो मेरे ख्याल से 5वीं का बच्चा भी नहीं करेगा। वो क्या कह रहा है कि 2 फुट की टूटी पर 5.5 फुट का नौजवान जैकेट के नाड़े से गला बांध के मर गया। अब ये विश्वास करने वाली बात है क्या? इस पर यकीन किया जा सकता है क्या? तो इसलिए अपना कुछ भी कहना है, कुछ भी लिखवा लेना है, कुछ भी अंगूठा लगवा लेना है। आप मुझे बताइए कि किस पिता की हिम्मत है उत्तर प्रदेश में कि वो थाने में चला जाए और पुलिस वाले कहें कि 10 सादे कागज पे अंगूठा लगा या 10 दस्तखत कर। कौन है, किसकी हिम्मत है जो मना कर देगा, बताइए आप। तो मैं तो आपको कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी की ठोको नीति के कारण उत्तर प्रदेश आज पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। कस्टोडियल डेथ के मामले में 1318 कस्टोडियल डेथ 3 सालों में हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। नहीं देखिए, ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। और हमारे लिए राम राज्य की कल्पना रामचरितमानस की उस चौपाई से है जिसमें कहा गया है कि सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सभी लोग सभी प्राणी सभी नर नारी आपस में प्रेम भाव से रहें, सारे लोग प्रेम भाव से रहें। ये विचार, ये आदर्श प्रभु श्री राम का है, जहां पर वो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, नल नील भालू बानर की सेना बनाकर अत्याचारी रावण का सत्यानाश करते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों पर, प्रभु श्री राम की राम राज्य की कल्पना पर, जिस राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की, मुझे लगता है उसको अपनाने की जरूरत है। और उसके नाम पर कोई विवाद खड़ा करने की, कोई ISI से तुलना करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। किसानों से बातचीत चल रही है और चुनाव से पहले सेटिंग कर लेंगे। देखिए, सेटिंग करने में तो ये लोग बहुत तेज हैं। तो लेकिन सेटिंग क्या चल रही है, क्योंकि ये देश के करोड़ों किसानों का मामला है, इसमें गुपचुप कोई समझौता अगर कोई किसान नेता करेगा तो निश्चित रूप से वो भी सवालों के घेरे में आएगा। धर्म सिंह सैनी का जो खुलासा है वो इस प्रकार का है कि जैसे किसान नेताओं से उनकी अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, किसान नेताओं से उनकी कोई गुपचुप बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की। ऐसा मेरा नहीं, धर्म सिंह सैनी जो BJP के मंत्री हैं उनका दावा है। इसकी कितनी सच्चाई है इसके बारे में किसान नेताओं को आकर स्पष्टता के साथ अपनी बात सामने रखनी चाहिए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली पार्टी है, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। ये किसानों के बीच में भी मतभेद पैदा कर देगी, क्योंकि जो धर्म सिंह सैनी का बयान है वो इस प्रकार का बयान है कि जैसे किसान नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने गुपचुप कोई बातचीत चल रही है और वो डील हो रही है, डील करके इस मसले का समाधान किया जाएगा मनमाने ढंग से, ऐसा ऐसा उनका संकेत है। तो इसमें निश्चित रूप से जो किसान नेता है
उनको आके अपना मत सामने रखना चाहिए, वरना देश के करोड़ों किसानों के बीच में एक गलत फहमी पैदा होगी और भारतीय जनता पार्टी इस गलत फहमी को बढ़ावा देने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत धर्म सिंह सैनी के बयान से होगी।